अस्सलामु अलैकुम एस्पायरेंट्स, यूरोपियन हिस्ट्री के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे कोल्ड वार यूरोप 1955 टू 1991। और इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वार, वार्स ऑफ पैक्ट 1955, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट, देन चार्लस डे गॉल इन फ्रांस और स्प्रेड ऑफ द कम्युनिस्ट रेजिम इन यूरोप। सादे जंग के असरात क्या थे? सादे जंग के दौरान मगरबी और मशरकी ब्लॉक के दरमियान बुनियादी नजरियाती इख्तलाफात को हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि सादे जंग ने यूरोप की तकसीम में किस तरह से किरदार अदा किया, हथियारों की दौड़ का जो अमरीका और सोवियत इतिहाद की मईशतों के ऊपर क्या असर पड़ा था, सादे जंग ने अमेरिका में समाजी तहरीकों के ऊपर किस तरह असर डाला, फिर वारसा मुआहदा जो कि 1955 में हुआ था, इसमें हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि वारसा मुआहदा 1955 में क्यों कायम किया गया था, वारसा मुआहदे के बुनियादी मकासद क्या थे और इस मुआहदे ने मशरकी यूरोप के सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या असर डाला था। तो कई वाकियात ने सोवियत इतिहाद को वारसा मुआहदे के तहत अस्करी मदाखलत करने के ऊपर मजबूर किया था। तो डिस्कस करेंगे कि वो कौन से वाकियात थे। यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी ईईसी में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 1957 में यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी के क्याम का बुनियादी मकसद क्या था। और इसके बाद हम देखेंगे कि ईईसी ने अपने रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी तआवुन को किस तरह से फरोग दिया। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि ईईसी ने मगरबी यूरोप में इक्तसादी तरक्की में किस तरह से मदद की, ईईसी की तश्कील यूरोपीय इंतजाम के तनाजर में क्यों अहमियत रखती है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है एटमी अदम फैलाव का मुआहदा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एटमी अदम फैलाव के मुआहदे का जो है वो बुनियादी मकसद क्या था। देन हम डिस्कस करेंगे कि एनपीटी ने एटमी हथियार रखने वाले ममालिक और गैर एटमी हथियार रखने वाले ममालिक के मफादात को किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की और एनपीटी को उसकी अमलदारी के बाद किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। देन हम देखेंगे कि एनपीटी ने आलमी सतह के ऊपर एटमी जंग को रोकने की कोशिशों में किस तरह से किरदार अदा किया। और पांचवा हमारा पॉइंट है चार्लस डी गॉल और फ्रांस। तो चार्लस डी गॉल की क्यादत ने सादे जंग के दौरान फ्रांसीसी खारजा पॉलिसी को किस तरह से शक्ल दी थी, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देन डी गॉल ने अमरीकी असर और रसूख से आज़ादी के हसूल के लिए कौन से इकदाम किए थे। डी गॉल ने फ्रांसीसी एटमी जो है वो बाजार की वकालत क्यों की थी। डी गॉल ने जदीद फ्रांसीसी खारजा पॉलिसी है इसके लिए क्या विरासत छोड़ी। यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतों का फैलाव हमारा सिक्स पॉइंट है और इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सोवियत इतिहाद ने दूसरी जंग अजीम के बाद मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें कैसे कायम की। सोवियत यूनियन ने मशरकी यूरोप ममालिक पर किन तरीकों से कंट्रोल बरकरार रखा और मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतों के खिलाफ कुछ अहम बगावतें थी, तो वह बगावतें कौन सी थी। देन हम डिस्कस करेंगे कम्युनिस्ट हुकूमतों के खिलाफ मुखालफत ने मशरकी यूरोप में जमहूरियत की राह हमवार करने में किस तरह से किरदार अदा किया था। सो इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वार हम डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द कोल्ड वार। द कोल्ड वार वाज अ पीरियड ऑफ इंटेंस राइवलरी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द सोवियत यूनियन एंड इट्स अलाइज द ईस्टर्न ब्लॉक। सो इट लास्टेड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1947 टू 1991, मार्क्ड बाय पॉलिटिकल टेंशन, मिलिट्री कंपटीशन एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। सार्द जंग एक इंतहाई यानी के एक जो है हरीफ दौर था जो अमरीका और इसके इतिहादियों यानी मगरबी ब्लॉक और सोवियत इतिहाद और इसके इतिहादियों यानी मुश्तरका ब्लॉक के दरमियान चलता रहा। यह तकरीबन 1947 से 1991 तक जारी रहा, ठीक है, जिसमें सियासी तनाव था, अस्करी मुकाबला था और नजरियाती तनाजा भी इसके अंदर शामिल था। उसके बाद हम पॉलिटिकल डिवीजन देखते हैं यानी यूरोप की तकसीम। तो यूरोप मगरबी यूरोप में जहाँ जमहूरी हुकूमतें जो थी वो बढ़ रही थी, फ्लरिश हो रही थी और मशरकी यूरोप में जहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम थी, तो ये जो था ये तकसीम हो गया था। ये तकसीम आयरन कला से जाहिर हुई थी जिसकी इस्तलाह जो है वो विंस्टन चर्चिल ने इस्तेमाल की थी। उसके बाद मिलिट्री अलायंसेस हैं। मिलिट्री अलायंसेस यानी अस्करी इतिहाद, नेटो और इसके बाद जो वारसा मुआहदे जैसे अस्करी इतिहादों की तश्कील ने इस डिवीजन को स्टेबल किया और दोनों तरफों के तनाजे के लिए तैयारी करते हुए। देन हम इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं कि इसके इक्तसादी नतायज क्या है। तो आर्म रेस यानी हथियारों की दौड़, अमेरिका और सोवियत इतिहाद ने एक हथियारों की दौड़ में शामिल होकर एटमी हथियारों के बड़े जखायर की यानी कि जखायर को तरक्की दी। सो दिस कंपटीशन कंज्यूम्ड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड लीड टू इकोनॉमिक प्रेशर्स। ये जो मुकाबला था ये अहम वसाइल को इस्तेमाल करता था और इक्तसादी दबाव की वजह बनता था। उसके बाद है प्रॉक्सी वार्स।
پروکسی کی جنگیں تو اس میں کوریا، ویتنام اور افغانستان جیسے ممالک میں جو تنازعات تھے وہ امریکہ اور سوویت اثر و رسوخ کے میدان اس کے لیے بن گئے تھے، یعنی اکثر طویل جنگ اور مشکلات کی وجہ بنی۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے سوشل امپیکٹ کو، سماجی اثر کو۔ تو سرد جنگ نے خوف اور شک کا ماحول پیدا کیا تھا جس میں بڑی سطح کے اوپر پروپیگنڈا پھیلایا گیا، اس کے اندر جاسوسی شامل تھی، بہت سے لوگوں نے ایٹمی جنگ کے خطرے کے تحت زندگی بسر کی۔ دین سول رائٹس مومنٹس، یعنی دونوں جو سپر طاقتیں تھیں ان کے درمیان جو مقابلہ تھا، اس نے سماجی تحریکوں کے اوپر اثر ڈالا تھا، خاص طور پر یعنی امریکہ میں جہاں سول حقوق کے کارکنان نے بین الاقوامی جو ہے وہ یعنی جانچ پڑتال کے ذریعے اس کے سامنے جمہوری نظریات کے دفاع کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وارسا معاہدہ کو جو کہ 1955 میں ہوا تھا۔ تو اس معاہدے کی تشکیل کیسے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی؟ تو وارسا معاہدہ جو ہے وہ 14 مئی 1955 کو سوویت اتحاد اور اس کے مشرقی یورپی اتحاد جن میں پولینڈ، ہنگری اور باقی مشرقی جرمنی یہ شامل تھے، ان کے درمیان ایک مشترکہ دفاعی معاہدے کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ سو اٹ واز کریٹڈ ان ریسپانس ٹو دا اریجمنٹ آف دا ویسٹ جرمن اینڈ انکلوژن ان نیٹو، یہ مغربی جرمنی کے دوبارہ مسلح کرنے اور نیٹو میں شمولیت کے جواب میں بنایا گیا تھا۔ اب اس معاہدے کے آبجیکٹیو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وارسا معاہدے کے مقاصد کیا تھے۔ اس میں ایک مقصد تھا عسکری تعاون کا، یعنی اس معاہدے کا مقصد کمیونسٹ ممالک کے درمیان عسکری کوششوں کو یکجا کرنا تھا اور نیٹو کے ممکنہ خطرے کے خلاف ان کے مشترکہ سیکیورٹی کو بڑھانا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے سیاسی کنٹرول، پولیٹیکل کنٹرول۔ تو یہ سوویت اتحاد کے لیے مشرقی یورپی ممالک کے اوپر کنٹرول برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ بھی تھا، تو ان کی وفاداری اور سوویت پالیسیوں کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بناتے ہوئے۔ اب اس معاہدے کے امپیکٹ کے بات کرتے ہیں کہ اس کا اثر کیا رہا۔ تو وارسا معاہدے نے سوویت اتحاد کو مشرقی یورپ پر اثر انداز ہونے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں ہنگری میں 1956 میں اور چیکوسلواکیا میں 1968 میں کمیونسٹ جو مخالفتیں تھیں، یعنی مخالف بغاوتیں تھیں، ان کو دبانے کے لیے عسکری مداخلتیں ہوئی تھیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں یورپین اکنامک کمیونٹی، ای ای سی کا۔ تو یورپی اقتصادی کمیونٹی کی تشکیل ہوئی، یورپی اقتصادی کمیونٹی جو ہے وہ 1957 میں روم کے معاہدے کے ذریعے قائم کی گئی تھی، اور اس کا مقصد اپنے رکن ممالک کے درمیان مشترکہ مارکیٹ بنانا تھا، اقتصادی تعاون تھا اور انٹیگریشن کو پروموٹ کرنا تھا۔ اب اس کے آبجیکٹیو اور اس کے پرنسپل کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس کے اصول کیا تھے۔ تو آزاد تجارت، یعنی ای ای سی نے تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنے اور رکن ممالک کے درمیان سامان کو، خدمات کو اور محنت کے جو یعنی کہ نقل و حمل تھی، فری موومنٹ تھی، اس کو فروغ دینے کا ارادہ کیا۔ اکنامک اس میں انٹیگریشن کیا ہے کہ اس تنظیم نے جو ہے وہ ایک یکجہت اقتصادی علاقے کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا۔ مختلف شعبے تھے جیسے زراعت ہے، صنعت ہے اور باقی ٹرانسپورٹیشن ہے، تو اس میں تعاون کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ای ای سی کے امپیکٹ کیا تھے؟ اکنامک گروتھ اینڈ پولیٹیکل انٹیگریشن۔ تو ای سی نے مغربی یورپ میں اقتصادی بحالی کو آسان بنایا، جس سے علاقے میں تیز رفتار ترقی ہوئی اور اس استحکام میں مدد ملی۔ اور اس طرح سے ای سی کی کامیابی نے مزید یورپی انضمام کی بنیاد رکھی تھی، جو پھر اب یورپی اتحاد کی تشکیل کی طرف لے گئی۔ فورتھ پوائنٹ ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ایگریمنٹ، جس میں انٹروڈکشن آف دا این پی ٹی ہے۔ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی واز اوپن فار سگنیچر ان 1968 اینڈ کیم انٹو فورس ان 1970۔ It aimed to prevent the spread of the nuclear weapons and promote peaceful uses of nuclear energy. ایٹمی عدم کا پھیلاؤ کا معاہدہ تھا، جس میں یعنی این پی ٹی کا جو عدم پھیلاؤ کا معاہدہ تھا این پی ٹی 1968 میں، یہ 10 سال کے لیے کھولا گیا تھا اور 1970 میں یہ نافذ ہوا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکا جائے اور ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کو فروغ دیا جائے۔ این پی ٹی کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ اس معاہدے کو جو ہے اس معاہدے کا جو مقصد تھا وہ ان ممالک کو ایٹمی ہتھیار تیار کرنے سے روکنا تھا جو پہلے ہی ہتھیار نہیں رکھتے تھے، اور ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک نے اپنے ایٹمی ذخائر میں کمی اور نقصانات کے مذاکرات کرنے کا عہد کیا تھا۔ اور اس کے بعد پیسفل یوز آف دا نیوکلیئر انرجی، تو ایٹمی توانائی کو کہ پرامن استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کی گئی تھی کہ اس معاہدے نے توانائی اور تحقیق کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں تعاون کی حوصلہ افزائی کی۔ اب این پی ٹی کا امپیکٹ کیا ہے، این پی ٹی کا کیا اثر ہوا؟ تو این پی ٹی نے ایٹمی مسائل کے اوپر جس طرح سے بین الاقوامی تعاون ہے اس کے لیے ایک جو ہے وہ یعنی کہ ایک سٹرکچر قائم کیا جو ایٹمی جنگ کو روکنے کی کوشش میں
मददगार साबित होता है। उसके बाद यानी तनकीद और चैलेंजेस थे, एनपीटी के ऊपर तनकीद की गई और उसको चैलेंजेस का भी सामना था, तो एनपीटी ने कई लिहाज से कामयाबी हासिल की, लेकिन इस पर तनकीद की गई और इसने कुछ ममालिक को एक्ट में हथियार रखने की इजाजत दी जबकि दूसरों को तरक्की करने से रोक दिया। पांचवा हमारे पास पॉइंट है चार्ल्स डिगॉल एंड फ्रांस। चार्ल्स डिगॉल की क्यादत, तो चार्ल्स डिगॉल एक जो है वो प्रमिनेंट फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे और सियासतदान थे जिन्होंने 1959 से 1969 तक फ्रांस के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी और तो उन्होंने सर्द जंग के दौरान फ्रांस की दाखिली और खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था। फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, खारजा पॉलिसी के इकदाम जो उठाए गए थे इसमें इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूएस इन्फ्लुएंसेस यानी अमरीकी असर रसूख से आज़ादी थी, तो डिगाल ने एक आज़ाद फ्रांसीसी खारजा पॉलिसी कायम करने की कोशिश की थी जिन्हें अक्सर अमरीका और नेटो के असर रसूख से दूर रहते हुए उन्होंने एक मजबूत यूरोप के क्याम की वकालत की जो खुद मुख्तार हो सके। न्यूक्लियर डिटेरेंट, डिगाल ने एक एटमी हथियारों के प्रोग्राम को फॉलो किया यकीन रखते हुए कि फ्रांस को कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपना जो है वो यानी कि बाजदार होना चाहिए और आलमी सतह के ऊपर अपनी हसीियत का उसको अजहार करना चाहिए। उसके बाद है यानी कि डिगाल की विरासत, तो डिगाल की जो पॉलिसियाँ थी उस वो जदीद फ्रांसीसी खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखती है यानी कौमी खुद मुख्तारी को जोर देते हुए एक आज़ाद मौका बरकरार रखने के साथ यूरोपियन तमाम को फरोग देती है। स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट रजीम्स इन यूरोप, यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतों का फैलाव अमल में आया, तो जंग के बाद कम्युनिस्ट हुकूमतों का क्या अमल में आया, दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत इतिहाद ने मशरकी यूरोप के कई ममालिक के अंदर कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम की जिनमें पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया मशरकी जर्मनी इसके अंदर शामिल है। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू एक्सपेंड सोवियत इन्फ्लुएंस यानी यह सोवियत असर रसूख को बढ़ाने की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा था। अब एस्टेब्लिशमेंट के मेथड्स देखते हैं कि क्याम के तरीके क्या थे। सोवियत इतिहाद ने कम्युनिस्ट हुकूमतों के क्याम के लिए सियासी दबाव और अस्करी कुत का इस्तेमाल किया और अक्सर मुखालिफ जमातों को दबा दिया। सपोर्ट फॉर कम्युनिस्ट पार्टीज, सोवियत यूनियन ने मकामी यानी कम्युनिस्ट जमातों को हमायत फराहम की और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए और कंट्रोल को बरकरार रखने में भी मदद दी और प्रोपेगेंडा और जबर के जरिए। अब चैलेंजेस और रेजिस्टेंस, इसमें कौन से चैलेंजेस थे, कौन सी रेजिस्टेंस थी। बहुत से मशरकी यूरोप ममालिक में कम्युनिस्ट हुकूमतों के खिलाफ जो बगावतें थी वो हुई थी जिसे 1956 में हंगरी की बगावत है, 1968 में प्राग यानी प्राग स्प्रिंग है, तो इन तहरीकों को सोवियत मदाखलत के जरिए सख्ती से दबा दिया गया था। अब वक्त के साथ साथ कम्युनिस्ट हुकूमतों के खिलाफ मुखालफत बढ़ने लगी थी जिसने इस्लाहात की तहरीकों और फिर 1980 की दहाई के आखिर में जमहूरियत के लिए राह हमवार की। तो सर्द जंग का जो दौर है वो 1955 से 1991 तक यूरोप में सियासी इक्तसादी और समाजी तरक्यात का दौर था, ठीक है। तो अमेरिका और सोवियत इतिहाद के दरमियान हरीफ ने बिन अक्वामी तालुकात की तश्कील की और इसके अलावा नेटो और वारसा मुआहदे जैसे असली इतिहादों को की तश्कील के ऊपर भी असर डाला। तो यूरोपी जो यानी एस्टेब्लिशमेंट थी, यूरोपी इक्तसादी कम्युनिटी का क्याम मगरबी यूरोप में इक्तसादी इंटीग्रेशन इंतजाम और तामन को फरोग देने में मददगार साबित हुआ। तो जबकि एटमी अदम फैलाव का मुआहदा जो था वो एटमी यानी के हथियारों के फैलाव को रोकने की कोशिशों की अक्कासी करता है। चार्ल्स डिगॉल ने यानी जिस तरह के जो रहनुमा थे वो कौमी पॉलिसियों को तश्कील देने में अहम किरदार अदा उन्होंने किया जो सुपर ताकत के असर रसूख से आज़ादी की कोशिश करती हैं। तो सर्द जंग के असरात हमने डिस्कस किए, इसमें हमने डिस्कस किया कि सर्द जंग के दौरान मगरबी और मशरकी ब्लॉक के दरमियान बुनियादी नजरियाती इख्तलाफात क्या थे। तो मगरबी ब्लॉक ने जमहूरियत आज़ादी और सरमायादारी को अपनाया जबकि मशरकी ब्लॉक ने कम्युनिज्म रियासी कंट्रोल और मरकजी मनसूबा बंदी की मईशत को तरजीह दी। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि सर्द जंग ने यूरोप की तकसीम में किस तरह किरदार अदा किया। तो सर्द जंग के नतीजे में यूरोप दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, एक मगरबी यूरोप जमहूरी हुकूमतें मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें थी। तो इस तरह से इसने सियासी समाजी इक्तसादी मसाइल को जन्म दिया था। उसके बाद हथियारों के दौर का अमेरिका और सोवियत इतिहाद की मईशतों के ऊपर क्या असर हुआ था, उन्होंने डिस्कस किया कि हथियारों के दौर ने दोनों ममालिक की मईशतों के ऊपर भारी बोझ डाल दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी फौजी ताकतों को बरकरार रखने के लिए वसी वसाइल खर्च किए थे। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि सर्द जंग ने अमरीका में समाजी तहरीकों के ऊपर किस तरह असर डाला।
तो सर्द जंग ने अमरीका में शहरी हकूक की तहरीकों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। आलमी सतह के ऊपर जो जमहूरी अकदार थी उनकी अहमियत के साथ शहरी हकूक के कारकुनों ने जमहूरी असूलों को फरोग देने के लिए कोशिश की। वासा मुआहदा, हमने दूसरा अपने पॉइंट डिस्कस किया, इसमें हम देखा कि वासा मुआहदा जो है वो 1955 में क्यों कायम किया गया था, इसका मकसद क्या था। तो ये सोवियत यूनियन और इसके मशरकी यूरोप इत्तेहादों के दरमियान अस्करी तामन को मजबूत करने के लिए किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि वासा मुआहदे के बुनियादी मकासद क्या थे। तो बुनियादी मकासद अस्करी तामन था, मशरकी यूरोप के ममालिक की फौजी ताकत को बढ़ाना था और सोवियत यूनियन की पॉलिसी के मुताबिक रहने को यकीनी बनाना था। वासा मुआहदे ने मशरकी यूरोप के सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या असर डाला था। तो ये मुआहदा मशरकी यूरोप में यानी कि सोवियत जो इन्फ्लुएंस था उसको बढ़ाने की वजह बना, जहाँ सोवियत इतिहाद ने अपने इतिहादियों की हुकूमतों के ऊपर कंट्रोल बरकरार रखा और किसी भी दाखिली मजहमत को सख्ती से दबा दिया। तो किन वाकयात ने सोवियत इतिहाद को वासा मुआहदे के तहत अस्करी मुदाखलत करने के ऊपर मजबूर किया। तो हमने डिस्कस किया कि सोवियत इतिहाद ने अमरीकी बगावत 1956 और प्राग स्प्रिंग 1968 जैसे वाकयात के ऊपर अस्करी मुदाखलत की ताकि कम्युनिस्ट हुकूमतों को बरकरार रखा जा सके और सोवियत कंट्रोल को चैलेंज करने वाली तहरीकों को भी कुचल दिया जा सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 1957 में यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी के क्याम के बुनियादी मकासद क्या थे। तो यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी का बुनियादी मकसद यूरोप के ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका यानी बाजार का क्याम था ताकि इक्तसादी तामन और इंटीग्रेशन को इंजमाम को फरोग दिया जा सके। ईसी ने अपने रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी तामन को किस तरह से फरोग दिया था। तो इसने तजारती रुकावटों को खत्म कर दिया, तजारत को फरोग दिया, रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी तालुकात को मजबूत किया और इस तरह से उसने यानी इक्तसादी तामन को बढ़ाया। फिर मगरबी यूरोप में ईसी ने मगरबी यूरोप में इक्तसादी तरक्की में किस तरह से मदद की थी। तो ईसी ने मुश्तरका इक्तसादी मनसूबा बंदी थी उसमें माली इमदाद दी, तजारती मौके के जरिए मगरबी यूरोप के इक्तसादी बहाली में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ईसी की तश्कील जो थी वो यूरोपीय इंटीग्रेशन के तनाजर में क्यों अहमियत रखती है। तो ईसी की कामयाबी ने यूरोपीय इंजमाम की बुनियाद रखी थी जिसने बाद में यूरोपीय यूनियन के क्याम की भी राहमवार की और यूरोप के मुकाबले ममालिक के दरमियान सियासी इक्तसादी मांगी की जरूरत को वाजे किया। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एटमी अदम फैलाव का मुआहदा। तो एटमी अदम फैलाव के मुआहदा का बुनियादी मकसद क्या था। इसका बुनियादी मकसद जो था वो एटमी हथियारों की फैलाव को रोकना था जो ममालिक से पहले ही एटमी हथियार रखते हैं और उनकी तादाद को कम करने के लिए एक ये कोशिश थी। एनपीटी ने एटमी हथियार रखने वाले ममालिक बगैर एटमी हथियार रखने वाले ममालिक के मफादात को किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की थी। एक क्वेश्चन आ सकता है, तो एनपीटी ने एटमी हथियार रखने वाले ममालिक को अपना असला काम करने की तरगीब दी जबकि गैर एटमी ममालिक को एटमी हथियार ना बनाने का अहद करने की हौसला अफजाई की। एनपीटी को इसकी अमलदारी के बाद किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो एनपीटी को कुछ ममालिक की जानिब से एटमी हथियारों की तरक्की के बावजूद रोकने की नाकामी हुई और ऐसे ममालिक के दरमियान अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एनपीटी ने आलमी सतह के ऊपर एटमी जंग को रोकने की कोशिशों में किस तरह से किरदार अदा किया था। तो ये आलमी सतह के ऊपर जो एटमी हथियार थे उसने एनपीटी के फैलाव को रोकने के लिए बैन अक्वामी कानूनी फ्रेमवर्क कायम किया था जिसने एटमी जंग के खतरे को कम करने में मदद दी। पांचवा पॉइंट हमने चार्ल्स डी गॉल और फ्रांस का डिस्कस किया। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ल्स डी गॉल की क्यादत ने सादे जंग के दौरान फ्रांसीसी खाजा पॉलिसी को किस तरह से शक्ल दी। तो डी गॉल ने फ्रांसीसी खाजा पॉलिसी को खुद मुख्तारी ताकतवर यूरोप अमरीकी असर रसूख से आज़ादी की तरफ मायल किया जिसने फ्रांसीसी नेशनलिज्म को फरोग दिया। इसके बाद क्वेश्चन राइज हो सकता है कि डी गॉल ने अमरीकी असर रसूख से आज़ादी के हसूल के लिए कौन से इकदाम किए। तो डी गॉल ने नेटो की फौजी हिकमत अमली से अलीहदगी इख्तियार की और फ्रांसीसी एटमी प्रोग्राम को फरोग दिया ताकि फ्रांस अपनी कौमी सलामती को खुद मुख्तार तौर पर महफूज रख सके। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डी गॉल ने जदीद फ्रांसीसी खाजा पॉलिसी के लिए क्या विरासत छोड़ी। तो उसने खुद कौमी खुद मुख्तारी की अहमियत के ऊपर जोर दिया, यूरोप इतिहाद की हौसला अफजाई की और आर्मी मसाइल में फ्रांस की वफाकार शिरकत भी इसके अंदर शामिल है। छठा पॉइंट था हमारा यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतों का फैलाव। इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सोवियत इतिहाद ने दूसरी जंग अजीम के बाद मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें कैसे कायम की थी। तो सोवियत इतिहाद ने मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम करने के लिए सियासी दबाव, फौजी मदाखलत और मकामी कम्युनिस्ट जमाती की हिमायत का इस्तेमाल किया था। सोवियत यूनियन ने मशरकी यूरोपीय ममालिक के ऊपर किन तरीकों से कंट्रोल बरकरार रखा। तो सोवियत यूनियन ने मकामी हुकूमतों को कंट्रोल करने के लिए फौजी ताकत, खुफिया पुलिस, जदीद प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया ताकि किसी भी किस्म के अपोजिशन को कुचल दिया जा सके।
मशरक़ी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतों के खिलाफ कुछ अहम बगावतें हुई थी, तो वो बगावतें कौन सी थी? तो अहम बगावतों में 1956 की हंगरी की बगावत, जिस तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं, और 1968 का प्राग स्प्रिंग शामिल है, जहाँ आवाम ने कम्युनिस्ट हुकूमतों की हुकूमत के खिलाफ मजामत की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि कम्युनिस्ट हुकूमतों के खिलाफ मुखालफत ने मशरक़ी यूरोप में जमहूरियत की हमवार करने में किस तरह से किरदार अदा किया। तो वक्त के साथ साथ अवामी मजामत ने इस्लाहत की तहरीकों को जन्म दिया, जिसने 1980 की दहाई में सोवियत कंट्रोल के जवाल और फिर जमहूरी तब्दीलियों की राह हमवार की। तो इसमें हमने डिस्कस किया इसाद जंग के असरात क्या थे 1955 to 1991, और वारसा मुआहदा क्या था 1955, यूरोप इक्तसादी कम्युनिटी एटमी अदम फैलाव का मुआहदा, और चार्ल्स डी गॉल और फ्रांस को और यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतों का फैलाव। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।